तो गाइस ये है हमारे डोअर सीरीज का तीसरा व्लॉग, और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा 7 पॉइंट्स जो कि हमने विजिट किए थे। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो मेक श्योर यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव शेयर्ड द वीडियो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर देना। ये देखिए जनाब, ये है जस्ट अमेजिंग दृश्य। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये भूटान है। भूटान, वी आर एट इंडिया एंड दैट इज भूटान। ये है पूरा सीन जनाब, यहाँ पे बड़े 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 पहाड़ है। अब अभी हम चल रहे हैं स्ट्रीट्स ऑफ बिंदु, मतलब बिंदु के स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ये भूटान बॉर्डर के बहुत ही पास में है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज डे 2 है डुअर्स में, मतलब हाँ डुअर्स में। अच्छा, तो अभी हम आए हैं 7 पॉइंट्स में, मतलब अभी आज का दिन का जो प्लान है वो है 7 पॉइंट्स को विजिट करना। 7 अलग अलग जो 7 पॉइंट्स है वो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। और अभी हम हैं मूर्ति रिवर के पास में, तो पीछे है हमारा मूर्ति रिवर। इधर यह है मूर्ति रिवर, इसके बारे में उतना ज़्यादा कुछ मतलब हिस्ट्री नहीं है। ये बस एक इनहैबिटेड रिवर है। ये मूर्ति रिवर है, और दिखाते हैं बाकी आप सबको। और मेरे ख्याल से जो है अभी यहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत भीड़ बढ़ चुका है। पहले यहाँ पे उतना भीड़ नहीं हुआ करता था, बट अभी बहुत भीड़ है। तो गाइस मूर्ति रिवर के पास में आ चुके हैं हम, बट यहाँ पे देखिए कचरा हर जगह, गंदगी। मतलब इतना सुंदर रिवर है बट फिर भी यहाँ पे कचरा ही कचरा। देखिए ये देखिए, कचरा ही कचरा। बाकी ये सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा है, बहुत तो, बट आपने गंदा कर दिया ना। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे आते हो तो गंदा मत किया करो, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। जनाब हम आ गए हैं झालंग में, और पीछे का व्यू बस देखने लायक है, जस्ट गजब, अमेजिंग, ऑसम। आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये है जस्ट अमेजिंग दृश्य। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये भूटान है। भूटान, वी आर एट इंडिया एंड दैट इज भूटान। जनाब ये जस्ट अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग। जरूर इस व्यू को चेकआउट कीजिए, जस्ट अमेजिंग व्यू है झालंग से, जस्ट अमेजिंग। और कितना गहरा है देखिए, और ये पूरा पहाड़ है। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि आपको डुअर्स में पहाड़ भी मिलेगा, तो यही वो पहाड़ है। ये पूरा पहाड़ी रीजन है जैसे कि आप देख सकते हो। ये आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, ये कैमरा, ये जो व्यू है ना, इसको एक्सप्लेन, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। ये जस्ट अमेजिंग व्यू है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप डुअर्स आइए, आइए जनाब, जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे रिवर भी है इस तरफ। 7 पॉइंट्स है, ये उसका सेकंड पॉइंट है झालंग, और ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो आपको डुअर्स से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, बट ये आपका डुअर्स ट्रिप में ही, ट्रिप के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। बट जो व्यू है ना, जस्ट अमेजिंग। ये कैमरा इस व्यू को, मैं बता रहा हूँ, कैमरा इस व्यू को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। इट विल जस्ट अमेजिंग, इट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, ये व्यू को एक्सप्लेन कैसे करूँ। कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इसको, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, आपको अपने आँखों से देखना पड़ेगा, जस्ट अमेजिंग व्यू है, ज़रूर आइए जनाब। अगर आपको पिछला वाला जो सीन था वो अच्छा लगा, तो ये उससे भी अच्छा लगेगा, मतलब एक से बढ़कर एक है। तो ये है मेरे पीछे, अच्छा अभी दिख नहीं रहा, मैं रियर कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये है पूरा सीन जनाब, यहाँ पे बड़े 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 पहाड़ हैं, और यहाँ पे झरना, और ये वाला पत्थर को आप चेकआउट जरूर चेकआउट कीजिए, कितना बड़ा पत्थर है। ये देखिए ये वाला पत्थर, कितना बड़ा पत्थर है, और ये पत्थर ही पत्थर, और यहाँ पे झरना बहता हुआ, और ये है पहाड़। ये मतलब कोई इसका नाम तो पता नहीं है, एक नॉर्मल साइट सीइंग है, जो हम बिंदु जा रहे थे उसके वे में पड़ता है ये वाला साइट सीइंग। यहाँ पे रोड है, और ये वो वाली हमारी कार, ये वाली सीधा,
तो बहुत ही अच्छा जगह है ये। अब अभी हम चल रहे हैं स्ट्रीट्स ऑफ बिंदु, मतलब बिंदु के स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ये भूटान बॉर्डर के बहुत ही पास में है, और ये बहुत अच्छा एक ढलान है यहाँ पे इस तरफ, और इस साइड में है नदी जो कि बहुत ज़ोर से बह रही है, और पीछे पहाड़, आगे हम, उसके आगे भी पहाड़, और बीच में रास्ता, और यहाँ पे शॉपिंग भी चल रही है। तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आप खरीद सकते हो, यहाँ पे जो वूल के कपड़े बहुत सस्ते मिलेंगे, मे बी देखते हैं कितने का आता है, अगर कुछ खरीदने का इच्छा हुआ तो। और यहाँ पे आपको भूटानीज चॉकलेट्स भी मिल सकते हैं, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है बाय आवर टूर गाइड। तो देखते हैं भूटानीज चॉकलेट शायद मिल जाए वहाँ पे, देखा अभी चॉकलेट मतलब जो है चॉकलेट बेच रहे थे, बट कौन सा, मतलब इंडियन चॉकलेट की भूटानीज चॉकलेट वो पता नहीं, बट ये मैं श्योर हूँ कि भूटान बॉर्डर के बहुत पास है, क्योंकि मोबाइल पे टाइम GMT हो गया, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, बिकॉज अच्छा देखे तो ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, तो आधा घंटा ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोमिंग हो रहा है, मतलब नेट भी काम नहीं कर रहा। तो यह बिंदु भूटान बॉर्डर के पास, जो कि बहुत सुंदर है। ओ भाई, कैमरा इस सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाता, आप लोग को आना पड़ेगा यहाँ पे असली एक्सपीरियंस के लिए, अपने आँखों से देखना पड़ेगा, अपने आँखों के कैमरा को इधर लाना पड़ेगा, तभी एकदम इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। और अभी 7 पॉइंट्स में ये थर्ड पॉइंट है बिंदु यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। तो आगे जो भी होता है आपको अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो के साथ बने रहिए। आप देखिए कितना बड़ा पत्थर है, कैमरा में छोटा लग रहा होगा, बट आप अगर रियल देखोगे तो बहुत बड़ा पत्थर है, और यहाँ पे आप जा भी सकते हो, बट हम जाने का। और कचरा देखिए भाई, कचरा जहाँ भी गए हो, कचरा मतलब पहाड़ में भी कचरा, अब जा सकते हो, बट मेरा हिम्मत नहीं है उतना, तो मैं जाऊँगा भी नहीं, और हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, रिस्क क्यों लो अपने लाइफ के साथ, है ना। बहुत बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, और आगे भी उधर भी है, वो वाला पत्थर आप चेकआउट कर सकते हो, एक सेकेंड, ये वाला पत्थर ये ब्लैक कलर का है, ये बहुत बड़ा है, बहुत। कैमरा यहाँ इसको नहीं दिखा पाएगा अच्छे से, आपको खुद आना पड़ेगा इसको देखने के लिए, और जो नज़ारा है भाई भाई, जस्ट अमेजिंग। और आज लंच में हमने फ्राइड राइस और चिली चिकन खाया, बट हमने खाया था एक आर्मी कैंप में, इसलिए वहाँ पे तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और खाना का, खाने की बात करूँ तो खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे आप देखिए कितना ऊँचा है पहाड़, यहाँ पे अगर आप मतलब आप आओ तो रिलैक्स हो जाते हो, ये बात है। अब हम चौथे पॉइंट से पहले आए हैं टी गार्डन में, अच्छा अपनी आवाज़ में। तो ये है टी गार्डन, जिसको सिर्फ देखते हैं और रिलैक्स करते हैं टी गार्डन में, बहुत ही अच्छा है टी गार्डन, ये बहुत बड़ा टी गार्डन है, यहाँ पे आप अच्छे अच्छे फोटो शूट करवा सकते हो आप अच्छे अच्छे फोटो शूट करवा सकते हो यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। तो टी गार्डन के रास्ते पे हम चल रहे हैं और अच्छे अच्छे फोटो शूट कर रहे हैं, और गाड़ी में बैठ बैठ के पैर सूज गया, मतलब बिंदु से हम रॉकी आइलैंड जा रहे हैं नेक्स्ट, और अभी बज रहे हैं, टाइम देख लूँ, अभी बज रहे हैं 5:03, तो शाम के 5:03, लगता नहीं 7:30 पॉइंट कवर हो पाएंगे, बट फिर भी अगर होता है तो आप वीडियो में देख ही पाएंगे, अगर होता है। अब क्या लगता है, हम कवर कर पाएंगे या फिर नहीं, मेरे को तो कम चांसेस लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हम कवर कर पाएंगे, मेरे को तो चांसेस कम ही लगता है, अब देखते हैं क्या होता है। सूझ गए, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है ये देखिए फोटोशूट चल रहा है, ऑन द वे फोटोशूट, ऑन द वे। तो बस यही है, घूमिए फिरिए, और यहाँ पे पहाड़ पीछे, पीछे की तरफ पहाड़ है बस। तो अगर हम 7 पॉइंट कवर कर पाते तो हमको 7 पॉइंट इसी वीडियो में दिख जाएगा, अगला पॉइंट रॉकी आइलैंड है, तो रॉकी आइलैंड अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, कर दो लाइक कर दो, बहुत मेहनत से बनता है ये वीडियो, आप लोग तो मतलब इन्जॉय करो, सिर्फ लाइक कर दो, एक लाइक ही तो है ना, कर दो दबा दो एकदम जोर से। तो जनाब हम आ गए अपने 4th पॉइंट,
रॉकी आइलैंड पर, और अभी मैं अपने दूसरे फ़ोन से अपने ऊपर फ्लैश दे रहा हूँ वरना मैं दिखूँगा नहीं। तो अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, अभी सिर्फ 4 ही पॉइंट कवर किया, पता नहीं कितने होंगे, मेरे को तो नहीं लगता। तो रॉकी आइलैंड आपको रियर कैमरा से मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो जनाब ये है रॉकी आइलैंड, बड़े 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 पत्थर और यहाँ पे पानी, बहुत नॉइज़ आ रहा है, मतलब नॉइज़ क्या, ऑडियो का नॉइज़ नहीं, जो पिक्चर का नॉइज़ होता है वो बहुत आ गया क्योंकि रात हो गई है, ठीक है, इसलिए नॉइज़ आ रहा है। तो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, तो भाई माफ़ कर देना, अभी क्या ही कर सकते हैं, बाद में कैमरा में शिफ्ट होंगे, आप लोग सपोर्ट दिखाइए ना, कैमरा में हम शिफ्ट हो जाएंगे। और ये ब्रिज है, यहाँ से गाड़ी वाड़ी आ रही है अभी, तो ये ब्रिज है बस रॉकी आइलैंड में, इतना ही है। ये पानी ज़ोर ज़ोर से गिर रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे, और बड़े बड़े पत्थर हैं, इसीलिए शायद इसका नाम रॉकी आइलैंड है, इस बड़े बड़े पत्थर के लिए। और वो वाला पत्थर जो अभी सामने है, अभी जूम कर रहा हूँ, ये वाला पत्थर बहुत ही बड़ा है, और ये वाला तो उससे भी बड़ा, तो मतलब अभी तक मैंने जितने भी पत्थर देखे हैं शायद ये सबसे बड़े होंगे, अभी तक ब्लॉग में आप लोगों ने जितने भी पत्थर देखे हैं सबसे बड़े हैं। और यह है एक, ये है इस रॉकी आइलैंड का जो ब्रिज है उसका, यह है राइट हैंड साइड, अगर आप लाटागुड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा, लाटागुड़ी उस तरफ है तो ये राइट हैंड साइड आता है, ये वाला राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड उस तरफ है, तो उस तरफ भी आपको दिखाते हैं अभी। और अभी जैम हो गया, जैम, मेन बात तो ये था कि बिंदु से हमको यहाँ पे आते आते करीब 2 घंटे लग गए, इसीलिए जो प्रॉब्लम हुआ, वरना बाकी जो ट्रिप चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आ गए हम अब दूसरे तरफ में, आपको यहाँ से दिखाएं, तो ये है, तो ये है दूसरा वाला पॉइंट, और ये है ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े घर टाइप के हैं, और वहाँ पे ऊपर पहाड़, तो रॉकी आइलैंड है, तो नाम से मेरे को लगा कि आइलैंड होगा, बट यहाँ तो पहाड़ी है, तो यही है अपना रॉकी आइलैंड। ना बहुत मेहनत मशक्कत के बाद हम पहुँचे हैं एक होटल कम ढाबा, रेस्टोरेंट कम ढाबा, तो रेस्टोरेंट कम ढाबा इसका नाम है डुअर्स इन। तो हम पहुँचे अपने 6th पॉइंट, चालसा की तरफ जा रहे थे, तो चाय पीने का याद आ गया, तो आ गए यहाँ पे, तो देखते हैं, आइए, स्टेप्स पे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में चाय पीने और जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम चालसा है, तो 7 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स होंगे इस बार, जो 7th पॉइंट एक टी गार्डन का था जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया। तो जनाब अभी आपने जो क्लिप देखा उसके बाद हमारा प्लान था कि चालसा जाए, चालसा एक पार्क टाइप का है, बट हम चालसा गए नहीं, बिकॉज मतलब पहले तो प्लान था कि जाएंगे, बट जब हम गाड़ी में बैठे, जो कार है उसमें जब हम बैठे तो सो गए थे, तो बहुत टायर्ड भी थे सभी, तो इसीलिए नहीं जा पाए चालसा। तो यही था 7 पॉइंट, जो कि 7 पॉइंट्स हम विजिट नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भाई, आपके भाई का चैनल लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया होगा तो, और शेयर करना वीडियो को, कमेंट में लिखना कि आप कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को सारे जो 7 पॉइंट है वो दिखा नहीं पाया, बट जितना भी दिखाया वो बहुत ही अच्छी जगह है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप लोगों को भी वही लगा होगा मेरे ख्याल से। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को भी वो जगह पसंद आया होगा जो मैंने इस ब्लॉग में आपको दिखाया। तो बने रहिए आपके भाई के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा बहुत जल्द, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, घूमते रहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, बाय।